नमस्कार दोस्तों, इनसाइड स्टोरी इंडिया.in में आपका स्वागत है। 26 सितंबर 2018 का दिन शिक्षा जगत में काले दिवस के रूप में याद किया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इस दिन एक प्रोफेसर अपने ही छात्रों के पैर पकड़कर माफी मांगता रहा और उसने कहा कि वह देशद्रोही नहीं है। वो बार बार ये कहता रहा कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो गलत हैं, वो देशद्रोही नहीं है। और वो माफी मांगकर ये कहता रहा कि सिर्फ उसने ये अपराध किया है कि वह कक्षाओं में छात्रों को पढ़ाता है, उसने पढ़ाने का अपराध किया है और वह कर रहा है। दरअसल हुआ यूं कि मध्य प्रदेश का जिला है मंदसौर। मंदसौर जिले में सरकारी कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर दिनेश गुप्ता कक्षा में पढ़ा रहे थे। ठीक उसी समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हैं। ये कार्यकर्ता और नेता ठीक उस कक्षा के सामने पहुंच जाते हैं जहां पर प्रोफेसर दिनेश गुप्ता छात्रों को पढ़ा रहे थे। नारेबाजी का शोर कक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। इस व्यवधान को शांत करने के लिए प्रोफेसर दिनेश गुप्ता अपने कक्षा से बाहर निकलकर नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को मना करते हैं। उन्होंने कहा कि शांत रहें, कक्षाएं चल रही हैं। ये बात कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी। उन्होंने प्रोफेसर साहब से विवाद कर लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर पर देशद्रोही होने का आरोप लगा दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रोफेसर ने उन्हें भारत माता की जय के नारे लगाने से रोका है, इसलिए वे देशद्रोही हैं। यह सुनकर प्रोफेसर दिनेश गुप्ता काफी दुखी हो गए। इस दुख में उन्होंने एक एक विद्यार्थी और एक एक कार्यकर्ता के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया, जिसकी चारों ओर निंदा की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक प्रोफेसर अपने ही छात्रों के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे सिर्फ इसलिए कि कक्षाओं में जो शोर पहुंच रहा था उसे शांत कराने के लिए उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से शांत रहने को कहा। प्रोफेसर दिनेश गुप्ता की हालत ठीक उस तरह हो गई जिस तरह की पूरे जीवन भर की कमाई सिर्फ एक महज छोटी सी घटना से चली जाए। इस प्रोफेसर ने सिर्फ इतना अपराध किया कि वह लगातार कक्षाएं लेता रहा और छात्रों के भविष्य को संवारने का काम करता रहा। उसने बाहर आकर अगर कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कह दिया तो उसे समझ नहीं आया कि संविधान में ये अपराध कहाँ दर्ज है। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें प्रोफेसर दिनेश गुप्ता ने भारत माता की जय के नारे लगाने से रोका है, इसलिए वे देशद्रोही हैं। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पवन शर्मा ने का कहना है कि उनकी बात कार्यकर्ताओं से हुई है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर उन्हें नारे लगाने से रोक रहे थे, इसलिए विवाद हुआ है। और उन्होंने प्रोफेसर से खुद कहा है कि वह इस तरह से पैर पकड़कर माफी ना मांगे, जो कि गलत है, वो उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। खैर, इस घटना ने शिक्षा जगत में प्रोफेसर की हालत और शिक्षा की हालत को भी बयां कर दिया है। आखिर मध्य प्रदेश में प्रोफेसर शिक्षकों की क्या हालत है, किस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप शिक्षण संस्थानों में किस तरह से बढ़ रहा है और कितना दबाव है इन शिक्षकों पर, इसका भी खुलासा करता है। इधर जो कांग्रेस की विंग है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSY, उसके नेताओं ने इस पूरे मामले को लपका है और उन्होंने इसकी निंदा करना शुरू कर दिया है। हालांकि वह एक मुद्दा है जो उसको भुनाने की कोशिश कांग्रेस का छात्र संगठन कर रहा है। सबसे दुखद बात इस पूरे घटनाक्रम में यह रही कि प्रोफेसर संघ, जो मध्य प्रदेश में प्रोफेसरों की समस्याओं के लिए बनाया गया है, जो उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए बनाया गया है, उनके हकों को लड़ने के लिए प्रोफेसर संघ बनाया गया है, उस प्रोफेसर संघ के अध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया है। उस पत्र में मंदसौर कॉलेज के प्रिंसिपल, जो कि प्रोफेसर संघ के जिला अध्यक्ष हैं मंदसौर के, उनको और प्रोफेसर दिनेश गुप्ता, जिनके साथ ये घटना घटित हुई, वो सचिव हैं, इन दोनों को प्रोफेसर संघ से पदों के दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। इस पत्र ने साफ कर दिया है कि प्रोफेसर संघ और प्रोफेसरों पर किस तरह का दबाव है।
प्रोफेसर संघ द्वारा इस तरह की कार्रवाई काफी दुखद है। जब प्रोफेसर दिनेश गुप्ता का प्रोफेसर संघ को साथ देना चाहिए था, ठीक उसी समय उन्हें मंदसौर जिला इकाई के सचिव पद से दायित्व मुक्त करना काफी दुखद है। अब आप ये वीडियो देखिए जिसमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि प्रोफेसर दिनेश गुप्ता किस तरह से पैर पड़ रहे हैं और किस तरह से वे एक एक विद्यार्थी को बुला रहे हैं कि आइए मैं आपके पैर पड़कर माफी मांगता हूँ, मैंने अपराध ये किया है कि मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाने का अपराध करता हूँ, इसलिए आपके पैर पड़कर माफी मांगता हूँ। हालांकि विद्यार्थी जो कार्यकर्ता हैं विद्यार्थी परिषद के, वे इधर उधर भाग रहे हैं कि प्रोफेसर उनके पैर ना पकड़ें। इस पूरे वीडियो में ये साफ तौर से दिखाई देगा कि प्रोफेसर कितने दुखी हैं जिन पर कार्यकर्ताओं ने देशद्रोही होने का आरोप लगा दिया है। ये बात यही नहीं थमती है, ये सिलसिला काफी पुराना है। इससे पहले भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रोफेसरों पर भी देशद्रोही होने का आरोप लगा दिया था। न केवल आरोप लगाया था बल्कि अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए भी बहुत कुछ कहा था, जिसकी भी निंदा हुई थी शिक्षा जगत में। उस समय भी ये कहा गया था कि प्रोफेसर के साथ प्रदर्शन करने वाले में जेएनयू के कुछ प्रोफेसर शामिल हैं और मध्य प्रदेश में मार्क्सवाद को सपोर्ट करने वाले कम्युनिस्ट विचारधारा के कुछ प्रोफेसर मध्य प्रदेश में संगठित हो रहे हैं। लगभग एक साल से अधिक का समय हो गया है, कहीं भी इस तरह का कुछ भी मार्क्सवाद या कम्युनिस्ट कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ उस समय एक हो हल्ला हुआ और प्रोफेसरों के साथ काफी बदतमीजी की गई, उस समय भी काफी निंदा हुई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विचारधारा विद्यार्थियों के हकों की रक्षा करने के लिए है, जो गाइडलाइन तय की गई है संगठन को चलाने के लिए, उसको दोबारा से नेता और कार्यकर्ताओं को पढ़ना बेहद जरूरी है। और जो नेता, जो ऊपर के नेता हैं, जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी अपने कार्यकर्ताओं को मर्यादा में रहना सिखाना होगा, ताकि शिक्षकों का इस तरह से अपमान ना हो। क्योंकि जिस देश में शिक्षकों का इस तरह से अपमान होगा, निश्चित तौर पर उसके विकास की हालत खराब होगी ही। अब आप ये वीडियो देखते रहें। वहाँ के राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा घुस के नारेबाजी की जा रही थी, उसका विरोध करने पे वहाँ पे प्रोफेसर गुप्ता को एबीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दी गई, जिससे घबरा के प्रोफेसर गुप्ता ने वहाँ पे पैर पड़ के एबीपी के कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगी है। एनएसयूआई इसकी कड़ी निंदा करती है और ऐसे गुटात्मक संगठन पे पूर्णतः प्रतिबंध की मांग करती है।